फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही टेस्टी पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। दही और रवा से बना के हम पकौड़ा भी खाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और घर में रखे इंग्रेडिएंट से हम बना के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर देखिए। आप इसे लंच बॉक्स में, स्नैक्स टाइम में या टी टाइम में कभी भी बनाइए, बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है। तो आप भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे दही और रवा की पकौड़ी। तो यहाँ पे हमने लिया है एक बॉल रवा, ये बारीक वाली रवा है, और एक बॉल दही। दोनों का मेजर हम बराबर लिए हैं क्योंकि हमारी ताजी दही है। खट्टी दही हो तो पौना कटोरा ले लीजिए। अब हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और इसमें हम रवा को ट्रांसफर कर लेंगे। रवा के साथ हम दही भी ऐड कर लेंगे। दही को हम रवा के साथ एक चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। दही के साथ हम रवा को 15 से 20 मिनट तक फूलने के लिए छोड़ देंगे। फिर जरूरत पड़ेगी तो हम पानी ऐड करेंगे। तो हम एक ढक्कन से कवर करके इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, चलिए अपना रवा दही चेक कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, रवा अपना फूल चुका है पर बहुत सूखा सूखा है पकौड़े के लिए। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच पानी ऐड करेंगे। तो हमने वही दही वाली कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल लिया है। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए दही रवा पकौड़े के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन, जिसे हमने दरदरा कूट रखा है। 1 बड़ा प्याज को हमने छोटे छोटे काट रखा है, इसे डाल देंगे। 1 चम्मच हम धनिया पत्ता डालेंगे, ये फ्रेश धनिया पत्ता है जिसे हमने धो के काट लिया है। तो यहाँ पे आप धनिया पत्ता ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें पकौड़े का कलर व्हाइट व्हाइट दिखाना है तो हम कलरफुल चीज थोड़ा कम डालेंगे। यहाँ पे हम 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। पकौड़े में जीरा का फ्लेवर बहुत सुंदर आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घर के चिल्ली फ्लेक्स। तो यहाँ पे आप चिल्ली फ्लेक्स की जगह पे चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं, पर थोड़ा ये टुकड़ा में रहता है तो इसका स्वाद बढ़िया आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग। हींग डालना जरूरी होता है पकौड़े में, ये अच्छे से पक जाता है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम चम्मच की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। दही रवा का पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप बना के खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें फाइनल डालेंगे 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा। यहाँ पे आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। सोडा डालने के बाद हमें अच्छे से रवा को फेंटना है, तो हम चम्मच से अच्छे से फेंटेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल हर जगह पे सोडा का मात्रा जाना चाहिए, तभी ये परफेक्ट फूलेगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से अपना रवा दही फूल रहा है, तभी तो ये पकौड़ा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम फ्लफी दिखेगा। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद फिर से हम पकौड़े को फेंट लेंगे, इसे एकदम फ्लफी करना है हमें। नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हम एक छोटा सा बॉल डाल के अभी तेल सेक करेंगे। आप देख सकते हैं पकौड़ा डालने के बाद तेल में चारों तरफ बबल्स आने लगे हैं, यानी कि पकौड़े के लिए परफेक्ट तेल गर्म है। आप देख सकते हैं बिल्कुल तेंदी में नहीं चिपका, तेल के ऊपर आ गया। तो हमें ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे तेल गर्म कर लेना है।
अब हम डालने का स्टेप आपको बताएंगे। तो हम चम्मच में ऐसे बेटर लेंगे और दूसरे चम्मच की मदद से धीरे से ऐसे डाल देंगे। चम्मच में हम बेटर लेंगे और दूसरे चम्मच की मदद से तेल में ऐसे डाल देंगे। तो आपको एक बार में जितना पकौड़ा आ सके उतना कढ़ाई में डाल दीजिए। एक साइड से अपना पकौड़ा सेंक चुका है तो इसको हम ऐसे किसी थोक की मदद से उलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फुला फुला दही रवा का पकौड़ा बन रहा है। अब हम इसे क्रिस्पी होने तक सेकेंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा और चला चला के हमें सेक लेना है। पकौड़ा अपना सिक चुका है, चलिए हम इसे चम्मच से टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल मिला देते हैं और पकौड़े को एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं रवा और दही का कितना बढ़िया क्रिस्पी पकौड़ा तैयार हुआ है। सेम प्रोसेस से हम बाकी के पकौड़े भी बनाएंगे। तेल गरम है, हम एक एक चम्मच बेटर लेंगे और पकौड़ा छोड़ते जाएंगे। आप अपने मन पसंद का बड़ा छोटा कीजिए। कितना बढ़िया कलर आ रहा है पकौड़े का। हमने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है, इसे भी ऐसे टेढ़ा करते हुए और प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सभी पकौड़े को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना पकौड़ा तैयार हुआ है। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया दही और रवे से हमने पकौड़ा बना के तैयार किया, ये कितना सुंदर पकौड़ा तैयार हुआ है। ऊपर से दिख रहा है क्रिस्पी पर अंदर से बिल्कुल फ्लॉफी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।